भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी, मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी सम्मानित कुलपतिगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के सभी प्रमुख, श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनेद मट्टू साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दर्शना अंद्राबी, श्रीनगर के डीडीसी के चेयरपर्सन श्री आफ्ताब मलिक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कश्मीर विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, सीनेट, विश्वविद्यालय परिवार के सभी भाइयों बहनों तथा विद्यार्थियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया, इसके लिए विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का यह दीक्षांत समारोह कई मायने में खास है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने अमृतकाल की यात्रा शुरू की है। पिछले 75 वर्षों से अपने आदर्श वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय के अनुरूप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ज्ञान के प्रकाश, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल द्वारा भारतवर्ष के सपने, समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना करता हूं एवं अमृतकाल की यात्रा के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी पदक विजेताओं, अभिभावकों एवं टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीचर्स के रोल को सर्वसार उपनिषद में बखूबी चित्रित किया गया है। इसमें टीचर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ज्ञान यात्रा जीवन में साथ साथ चले और दोनों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैले। मैं सृजन के प्रतीक सभी टीचर्स को भी इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज जिन स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसमें लगभग 67% हमारी बच्चियां हैं। आज हमारी बच्चियां जिस आत्मविश्वास, साहस एवं योग्यता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, ये निश्चित रूप से गर्व का विषय है। प्राचीन काल से 13वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर नारी शक्ति के अदम्य साहस और ब्रिलियंस के लिए जाना जाता रहा है। यशोवती, सुगंधा देवी, दिद्दा, कोटा देवी, अमृत प्रभा, मिलिट्री कमांडर लीला देवी, चूड़ा देवी, रानी बीबी हौरा, गुल खातून, बेगम सलीहा, हब्बा खातून और लाल देव ने साहस, ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन से कामयाबी के उच्चतम शिखर को छुआ था। जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति का वह स्वर्णिम दौर फिर से वापस लौट रहा है और इसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।